और कोई सी न्यूज़ चला ठीक है ना। हैप्पी बर्थडे साहब, नाना मा साहब सब रखे गए। हाँ माहेश्वरी एजेंसी पर हमने की है और ये पकड़ा है साहब, और हमारी टीम में आ गई से सूचना मिली तो हमने इस तरह से हमने ट्रैक किया। जैसे भी आज शाम को मैं मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि माहेश्वरी मेडिकल एजेंसी के संचालक राजेश माहेश्वरी अपनी जो उनका मेडिकल एजेंसी उस पर वो आवश्यक वस्तुओं के अंतर्गत आने वाली ऑक्सीजन फ्लो मीटर की कालाबाजारी कर रहे हैं, जिसकी बाज़ार कीमत 600-700 रुपये होती है, उसको वो 4000 रुपये में विक्रय कर रहे हैं। उक्त सूचना पे हमारे द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसमें हमने जो पंडरवारी कार्रवाई होती है वो की गई, नोटों पे हमने निशान लगा के उनको भेजा गया। जब वो 4000 में सौदा तय हुआ, सौदा तय से पहले भी उनने काफ़ी नकरी करी थी कि हम नहीं बेचेंगे, उपलब्ध नहीं है, बहुत ज़्यादा कीमत चाहिए, बाहर मार्केट में बाहर हैवी में कीमत मिल रहा है, उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट करके बात करी तो 4000 में उन्होंने सौदा तय किया। सौदा तय हुआ, सौदा जब बेचते वक्त रंगे हाथों हमने उनको रेड करके पकड़ा, जिसमें उनके पास से हमने ये ऑक्सीजन की जो फ्लो मीटर है वो पकड़ा है, साथ में जो हमारे पंडर द्वारा उनको पैसा दिया गया था 4000 रुपये जिसका हमने निशान लगा रखे थे, वो पैसा भी उनसे बरामद किया गया है। जब हमने पूछताछ करी तो उसमें उन्हें कुछ भी मतलब जो कीमत का टैग था वो मिटा रखा था। बाद में पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि वो एक बता रहे थे, बाद में उन्हें 6 और उनकी दुकान से जब्त हुए। इस प्रकार जब उनको चेक किया तो उन्होंने मैक्सिमम रिटेल प्राइस 2250 रुपये लिखी हुई थी। स्पष्ट हो रहा है कि यदि उस मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर ही माना जाए तो भी उससे अधिक कीमत में ये सामान बेच रहे थे, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 420/188 और 51 भी आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामला रनिंग बैंक से उनको मामला पंजीबद्ध किया गया, गिरफ्तार किया गया है।